मेरा नाम है कुलदीप और ये मार्च का जो आखिरी दिन है वो हमारे लिए मतलब किसी त्योहार से कम नहीं चलते हैं। 26 तारीख को पापा का जन्मदिन है, फिर 27 को कुछ नहीं, फिर 28 को भैया का जन्मदिन, फिर 29 तारीख को कुछ खास नहीं है, और फिर 30 को दादाजी की एनिवर्सरी है, मेरे दादाजी की एनिवर्सरी है। उनकी तारीख तो उन्हें याद नहीं थी, लेकिन उनको ये पता है कि उनकी शादी रामनवमी के दिन हुई थी, तो इस बार याद आए गया तो हम सब ने भाई दादाजी को कहा कि ठीक है आपकी एनिवर्सरी है तो अपन गौशाला में भी कुछ करते हैं। अब क्या किया है ये देखो, पिछले 5-7 दिन से चल रहा था लेकिन किसी को बताया नहीं है। पिछले 5-7 दिन से गौशाला के अंदर काम चला रखा था लेकिन बताया नहीं है, मम्मी को भी नहीं बताया अभी तक कि गौशाला के अंदर काम क्या करवा रहे थे, लेकिन बस ये था कि हाँ ठीक है जिस दिन एनिवर्सरी है उस दिन करना है। तो क्या काम करवाए हैं वो देखने के लिए वीडियो में आगे बने रहिए। तो आइए चलते हैं श्री कृष्ण गौशाला लोहा में और देखते हैं कि मेरे पिताजी यानी SMS लोहा के पिताजी व माताजी ने क्या पुण्यार्थ का गोशवार्थ में कार्य किया है वो देखते हैं। तो जना पिताजी आपकी शादी की सालगिरह में काई बनवाई अभी। शादी की सालगिरह में काई बनाया जो तो तू चाल है श्री कृष्ण गौशाला लोहा में देख ले। तो मान लो पहली आला ने तारीख तो याद होती बनी कि भाई काई तारीख को आपनो ब्याह हो, पर आखा तीज रामनवमी ये साब की याद रहे तो हाँ अच्छी याद रहती है। रामनवमी को मान लो शादी वेड़ी है इन वास्ते रामनवमी को ही गौशाला के माने भाई की बनवाई है, अपने अपन देखा जा ध्यान पड़ी काई बनवाई है जो अपन जान देना ध्यान पड़ी है। हाँ मेरे पिताजी और माताजी की शादी की सालगिरह यानी एनिवर्सरी। कितनी एनिवर्सरी है बाबा? आज हैं कितनी सालगिरह है दादाजी की? आज मेरे पिताजी और माताजी की 64 साल हो गए शादी को। 64वीं शादी की सालगिरह आज 64 साल हो गए शादी हुई है। 64 64 अतः याने जय श्री कृष्णा जय गौ माता राधे राधे। आइए चलते हैं श्री कृष्ण गौशाला लोहा में। उससे पहले आपके अपने YouTube चैनल SMS लोहा में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में SMS लोहा के पिताजी श्रीमान सोनदास जी, गांव लोहा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू, राजस्थान, वो गौ माताओं की सेवा में गौशवार्थ में पुण्यार्थ का कार्य कर रहे हैं वो देखते हैं। तो चलते हैं श्री कृष्ण गौशाला लोहा में। जय गौ माता। तो गौ माताओं के सेवार्थ में पुण्यार्थ में यह कार्य हो रहा है ट्यूबवेल का। गौ माताओं की सेवा में गौ माताओं को जल की सुविधा के लिए ये ट्यूबवेल खुदवा रहे हैं SMS लोहा के पिताजी श्रीमान सोनदास जी स्वामी गांव लोहा, ये ट्यूबवेल खुदवा रहे हैं साहब। इस ट्यूबवेल का कार्य चल रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं। यह कार्य चल रहा है गौशवार्थ में व पुण्यार्थ में ट्यूबवेल का। अभी देखते हैं पानी कैसा निकलता है इसमें। गौ माता कृष्ण भगवान की कृपा से उम्मीद है आशा है कि मीठा ही होगा।
गौ माता विशाल जय का जय 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 गौ माता जय राधे 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 राधे। राधे राधे। और यह है श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माताएँ, गौ माताओं के ये देखिए पास में ही ट्यूबवेल का कार्य चल रहा है। राधे राधे। श्री कृष्ण गौशाला लोहा। पानी चेक करियो के शोक है, पानी मीठो है, मीठो है क्या? ठीक ठीक है, पानी एकदम ठीक है। तो उसका थोड़ा और खोद दे और मीठो जालो बेटा। मट्टी तो आई सी तो थोड़ी बहुत बात स्टार्टिंग में मट्टी तो आई सी है। वो नितर जी अब नितर गयो, अब नितर गयो ना थोड़ा सही जियो। आ जाए बटे बटे जार पानी पीर देख रहा हो जने ठापड़सी का मिठो है के फिको है चरको है के ट्यूबेल के कन्ने जार देख रहा हो पीर पानी चेक कर रहा हो शो निकले मिठो निकले हो दिखाने जय गौ माता। और ये सभी गौ माताएं श्री कृष्ण गौशाला लोहा में इन गौ माताओं के लिए इस पानी की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि पहले एक ट्यूबवेल है, एक ट्यूबवेल फिर से हो रहा है गौ माताओं की सेवा में। दो ट्यूबवेल की सख्त आवश्यकता है क्योंकि इस ट्यूबवेल के पास में एक ऊंची हद्दी बनाने का प्रोग्राम है। वो हद्दी बन जाएगी ना, तब लाइट वगैरह नहीं हो तो हद्दी से पानी गौ माताओं की सेवा में पहुँच जाए इन खेड़ों में, इसलिए इस ट्यूबवेल की सुविधा की जा रही है। राधे राधे। जय गौ माता। जय श्री कृष्णा। और ट्यूबवेल तैयार है और पानी ट्यूबवेल में आ गयो और वही मीठो परीक्षा का चेक करियो गयो मीठो है क्या? पीर देखो तो कहीं मीठो जहाँ ठीक है। देखो पानी आवाज डांट कर तो अरे वही मीठो पानी दो ट्यूबवेल होगी। ट्यूबवेल तो दो गे फोन पे अच्छी ट्यूबवेल का आसपास का माने एक बड़ो हौज बन जाओ ने वो दान दाता को चेतते हो तो कोई बड़ो हौज बन जाओ अठाई जगह ने तो लाइट वगैरह नहीं हुआ ना बीटे में गाय का पानी पीने में सुविधा हो जाओ बड़ो हौज जाओ तो ट्यूबवेल तो तैयार हो गया और पानी भी बढ़िया आ गया मीठो है पानी पानी मीठो है ठीक है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में वो ट्यूबवेल है जो अठिन आगे ऊंचे इधर पर बनाए है अगुण छेड़ा है दिखना छेड़ा खुणे का माई नागे जाता इधर पर बनाए उठा है ताकि लाइट वगैरह नहीं हुए कोई टाइम है तो अद्धी पहले अठों ब्रिज जा रो अद्धी कमाई फिर पानी आगे उठ जा तो गाया के पानी पीने में सुविधा हो जाए दिक्कत को नहीं हुआ ये वास्ते ओ ट्यूबवेल बनाए गए हो। ओ ट्यूबवेल SMS लोहा के पिताजी श्रीमान सोनदास जी स्वामी ने गौ माताओं की सेवा में बनवाया ये पुण्यार्थ का कार्य किया। जय गौ माता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। और पानी भी ट्यूबवेल में बढ़िया आयो मीठो पानी ऐसा एकदम फसला साध रहा है मीठो पानी है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय गौ माता। जोड़ा के दरख्त पीपड़ में लगा दियो जो काम आवे
पीपला पानी पा दिया उस गड़ान फुल श्री कृष्ण गौशाला लोहा के पास में ही गुरु गोरखनाथ जी महाराज का मंदिर है, शनिदेव जी महाराज का मंदिर है। वह गौशाला से पूरा गांव भी आराम से दिखाई देता है। उधर पास में गुसाई जी महाराज, रामदेव जी महाराज का मंदिर भी है, बालाजी महाराज का मंदिर भी है, इधर भैरू जी महाराज का मंदिर भी है। गौ माताओं के ठीक पास में ही चारों तरफ देवी देवता विराजमान है। राधे राधे। गौ माताओं की सेवा में गौ सेवक के गौ भक्त दानदाता श्री कृष्ण गौशाला लोहा पधारते रहें व गौ माताओं की सेवा में योगदान है, गौ माताओं की सेवा करते रहें। राधे राधे। आज रामनवमी को भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन पे इस ट्यूबवेल का शुभारंभ किया। जय गौ माता। गौ माताओं के लिए जल सेवा। गौ माताओं की सेवा में श्री कृष्ण गौशाला लोहा में श्रीमान सोनदास जी स्वामी ने आज रामनवमी को भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मदिन पे गौ माताओं की सेवा में ट्यूबवेल करवाया। ये पानी की व्यवस्था गौ माताओं के लिए करवाई। गौ सेवार्थ में यह पुण्यार्थ का कार्य किया। नया ट्यूबवेल बनवाया गौ माताओं की सेवा में, गौ माताओं के पानी पीने के लिए। जय गौ माता। जय गौ माता। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गौशाला लोहा में गौ माताएं। अध्यक्ष साहब सभी दरख्तों को पानी पिला रहे हैं। आज रामनवमी पे भगवान श्री राम जी के जन्मदिन पे नए ट्यूबवेल से सभी दरख्तों को भी पानी पिला रहे हैं। धन्य हो।